हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलो लग जाते हैं आज हम। एक्चुअली शाम का है तो शाम को कुछ चाहिए था इनको खाने के लिए, तो थोड़ा सा पास्ता पड़ा था, मैंने वही बना के दे देती हूँ इनको। क्योंकि कुछ नाश्ते में ऐसा स्नैक्स चाहिए तो फिर था नहीं कुछ, इतना सा ही ना पास्ता पड़ा था, तो मैंने चलो वही बना लेती हूँ अभी। इन दोनों को हो जाएगा। और बनानी है आज, ये थोड़ा सा आलू बॉयल हो रहा है। आलू क्या है ना, मैं कुकर में बॉयल नहीं की हूँ, ऐसे ही काट के रख दिया था। और मसूर की दाल बनानी है मुझे आज, खड़ा मसूर का दाल है। कभी कभी दालें चेंज करना चाहिए ना। हमारे घर में ज़्यादातर तुअर दाल ज़्यादा खाई जाती है, अरहर वाली दाल। तो ये मसूर दाल और जो उड़द दाल होती है, एक्चुअली मैं शाम को ही बनाती हूँ क्योंकि एक टाइम अच्छे से खा लेते हैं, क्योंकि दोनों टाइम ये दोनों दालें खाना बहुत मुश्किल होता है। अरहर का दाल कैसा होता है कि अरहर का दाल हम रख के भी गर्म करके खा लेते हैं, लेकिन ये नहीं खा सकते क्योंकि ये ठंडी हो जाती है ना, तो ये गाढ़ी गाढ़ी हो जाती, फिर इनका टेस्ट चला जाता है। तो कुछ नहीं, जीरा आलू बना देंगे क्योंकि रात के लिए इतना ही बहुत है। फिर वैसी कोई सब्जी बना तो ये लोग खाएंगे नहीं, इसलिए इनके मनपसंद अभी आलू भी नया आ गया है, तो वही जीरा डाल के बना देती हूँ। उसके साथ में बना दूँगी रोटी, तो अभी मुझे बनानी है रोटी। रोटी ज़्यादा नहीं बनानी है, 7-8 रोटी बस हो गए। रोटी क्या, वो तेल लगा के हम फुलके नहीं बनाते क्योंकि ये लोग फिर घी लगाते नहीं हैं, तो मैं ऐसे ही पराठा टाइप का बना के रख देती हूँ। और ये है सुबह का, तो आज मुझे निकालना है स्टैंड क्योंकि ये पूरा 1 साल हो गया, 1 साल से पोंछ लेती हूँ, के लिए बहुत गंदा हो चुका था, क्योंकि मैं कम से कम साल में 2 बार तो निकाल के धो ही लेती हूँ, अब की बार मौका नहीं मिला। क्या है ना, अंदर हाथ डालना उसके इस पर रख के फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसको यहाँ रख भी नहीं सकती, फिर इसको मुझे बाथरूम में ले जाके धोना पड़ेगा, तो पहले इसको खाली कर लेते हैं। सामान ज़्यादा नहीं है उसके अंदर क्योंकि आधा सामान हमने निकाला नहीं है, हमारे प्लास्टिक की टंकी में पड़ा हुआ है, नहीं निकाली, अब वो काम नहीं होता है। फालतू का निकाल के रखो, सजा के पहले रखती थी अगले, अब नहीं, अब होता नहीं है, होता भी नहीं है, दिमाग भी काम नहीं करता, कुछ करती हूँ कुछ हो जाता है, तो फिर जितना है उतना ही। इसमें थोड़ा सा जाला आला आ गया है, इसको भी साफ कर लेते, फिर थोड़ा सा कपड़े से साबुन लगा के पोंछ देंगे टाइल्स, तो वो भी गंदापन निकल जाए, हो ही जाता है ना, पीलापन आ जाता है, वो सफ़ेद टाइल्स है तो। चाहे अपना घर हो चाहे ऐसा भी हो, करना तो पड़ता ही है ना। तो इसको पहुँच के फिर हम ले जाएंगे इसको बाथरूम में, बाथरूम में ले जाके इसको हम धोएंगे, और ज़्यादा नहीं है, फटाफट हो जाएगा, अरे जल्दी तो धुलने वाला है नहीं, इसको धोते धोते काफ़ी टाइम लग जाता है। वैसे सूखे कपड़े से सूखा साबुन लगा के हल्का सा इसको एक ही बार में पहुँच दिया है, तो चलो इसको लेके चलते हैं हम बाथरूम में, क्योंकि ये यहाँ नहीं धुल सकते हैं, बाथरूम में ही धुलेगा, बाथरूम में भी अभी बहुत काम पड़ा है। ये लगेज क्या है ना, भीग जाती है तो ये नीचे को खींचती है, इसलिए मैं ऊपर को कर लेती हूँ, क्योंकि फिर भीगेगी ना तो नीचे को नहीं आती है, नहीं तो वैसे ऐसे रहेंगे ना तो फिर इन बैठने में खिंच जाती है नीचे। और एक उंगली मेरी कट चुकी है, एक्चुअली क्या हो गया ना, उस दिन ना मैं जल्दी जल्दी में काम कर रही तो जल भी गई और उंगली भी कट गई, और वो ही दूसरे दिन शाम को, शाम था सुबह था, फिर से वो उंगली हमारी कट गई उसी जगह, तो उसमें काफ़ी बैंडेज वगैरह लगाया है, उल्टे हाथ की कटी है तो सीधे से, इसलिए मैंने उसमें ग्लव्स पहन लिया है कि उससे हमारी उंगली नहीं कटेंगी, क्योंकि इसमें धार हो गई, बहुत पुराने हमारा स्टैंड हो गया है, जब हम आए थे तभी हमने लिया था, तो काफ़ी पुराना हो गया है,
नया रहता है ना तो इतना ये नहीं, अभी क्या है ना उसके जो बीच की क्या बोलते हैं वो लगी है ना, तो वो ऐसा साइड से पैनी हो गई है तो कटने का डर रहता है, इसलिए ग्लव्स में लिया, उसके अंदर हमने डाल दिया एक जूना टाइप का रहता है ना, तो वो हाथ में भी नहीं, अंदर से हाथ में आएगा और बाहर से फिसलेगा भी नहीं, तो फटाफट ये साफ हो जाएगी। काम तो करना ही पड़ता है, कितना भी करो कम नहीं होता है, घर घरों के काम नहीं करेंगे तो फिर गंदा ही होता रहेगा वो। वो क्या होता है ना, हम रोज़ रोज़ काम थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं ना, तो वो फिर हम लिए भारी नहीं होता है, जब हम एक साथ काम निकालते हैं ना तो फिर, या तो ये है कि हम घर में बैठे हैं तो रोज़ एक काम निकालो, घर में तो रहते नहीं, सुबह निकलो दोपहर में आओ फिर घर का आके करो, थक जाते हैं, करना तो है ही, बाहर का भी देखना है, क्योंकि नहीं देखेंगे तो कहाँ से घर चलेगा, मेन वही है ना मुद्दा, क्या कर सकते हैं, जिंदगी है, जीते रहो, चलती रहे गाड़ी, जब तक चल रही तब तक चलाओ। हाँ बोलते हैं ना, हाथ पैर जब तक चलेंगे तब तक चलाना पड़ेगा, खुद चलना पड़ेगा, नहीं चलाना है तो बैठ के नहीं खा सकते। होता है ना सैटरडे संडे होता है, हमको भी ऐसा लगता है ना आज थोड़ा नींद आ रही है तो नहीं उठते, अकेले नहीं, हमको हमारे टाइम पे उठना है, जरा सा भी हमको लेट होता है तो फिर हमारा पूरे दिन बैंड बजता है, मान लो आज वो ही हुआ है, आज मेरा 5:30 पौने 6 हो गए, कुछ काम नहीं हुआ, फिर आके दोपहर में आप करो घर का खाना पीना तो वो फिर लेट होता है, 2:30 बजते हैं, ज़्यादा ही हो जाता है, वैसे तो खाना लेट ही खाते, तो भी जब बना हुआ होगा तो नहीं खाएंगे, जब बना नहीं होगा तो फिर भूख लगती है। आराम आराम, कुछ आराम नहीं है अब, बस इतना है कि जो जैसे ज़िंदगी हमारी निकल रही बस उसी के सहारे निकल रही, उसी पर छोड़ दिया है, अब तुम ही संभालो, इतना दिन हमारे हाथ पैर चलाते रहना कि हम ज़्यादा कुछ न कर पाए ज़िंदगी में, इन दोनों के टाइम तक मैं ये दोनों सेट हो जाएं, उसके बाद जो भी मेरा करना हो करना, क्या करें, बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि बहुत कुछ सोचना पड़ता है, सोचने के लिए ज़िंदगी छोड़ गए, छोड़ो, सोचती रहो दिन भर बैठ के, थे तब भी सोचती थी, तब टेंशन नहीं रहता था, अब टेंशन ज़्यादा है। हम जब अभी अभी हम गए थे तो हमारी चाची सास बोलती थी, तुम तो बहुत पतली हो गई हो, मतलब हम लोगों में बोलते हैं ना लट गए, बहुत पतली हो गई हो, नहीं तो लोग फूल जाते हैं, मैंने चाची मेरे सर पर कितना बोझ है मैं ही जानती हूँ, मोटे मोटे नहीं होना है, कुछ नहीं होना है, बस हाथ पर चलते रहें, बस तब तक चलते रहें जब तक हम थके नहीं, हम थक गए तो हमारा घर सब खेड़ बेड़ हो जाएगा, कोई इतना जिम्मेदार नहीं है, बच्चों को भी कुछ नहीं मालूम है, आप धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां समझ रहे हैं, अकेले भी समझने लायक नहीं है उतने वो लोग, इसको धो लेती हूँ पहले मैं, क्या करूँ, मन का निकल जाता है, थोड़ा मन शांत हो जाता है, नहीं तो चक्री की तरह चलता ही रहता है दिमाग में, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ नहीं निकलते, सब बोलते थोड़ा फ्री हो जाओ, ज़िंदगी में कोई फ्री होता है क्या,
कोई फ्री नहीं होता है, जब तक जिंदगी दी है तब तक तो करना ही है। बस भगवान से की प्रार्थना करती हूँ, मेहनत करके खाना है बस, और कुछ नहीं। हमें खाली हिम्मत देते रहना, हमारी हिम्मत हमारे लिए बहुत है। टूटती हूँ फिर उठती हूँ, फिर टूटती हूँ फिर उठती हूँ, फिर सोचती हूँ कौन बैठा है, हमको ही करना है, कोई तो नहीं है सारा जो जिसका सहारा लेके मैं चलूँ कि हाँ भाई हम नहीं करेंगे वो कर लेगा, वो नहीं करेगा वो कर लेगा, वो सब तो है नहीं हमारे पास, हमको खुद को ही सब सोचना है। तो चलो मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक।